अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ पुराने दिल्ली स्टाइल चिकन लेग बिरयानी। आई होप आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया था बॉयल होने के लिए, और पानी में आ चुका है तो इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम डाल देंगे चावल। तो मैंने यहाँ पे 1 kg सेला चावल लिया है, जो कि लॉन्ग ग्रेन सेला चावल है। आप जब भी बिरयानी बना रहे हो पुराने दिल्ली स्टाइल, तो आप सेला चावल का ही यूज़ करें। इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था, और जब ये अच्छे से भीग जाए तो अब इसको हम डाल देंगे पानी में बॉईल होने के लिए। और इसको 100% कुक करना है, यानी कि हमें 80% कुक करके छोड़ देना है। पूरा पकाना है इसे अच्छे से। इसमें डालेंगे हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची, और इसमें डालेंगे कुछ खड़े बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है सौंफ और साबुत धनिया। बस इसे कवर करके रख देते हैं पकने के लिए। तो जब तक चावल रेडी हो रहा है, यहाँ पे हम चिकन को भी रेडी कर लेंगे। तो एक पैन लेना है, इसमें डालेंगे चिकन, और चिकन को मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। और चिकन जो है 1 kg लिया है मैंने, इसमें 1 अदरक का टुकड़ा जो है लंबे लंबे साइज में काट करके डाल लेना है। 3 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और 1 छोटी चम्मच नमक डाल दें। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 250 ग्राम रिफाइन ऑयल डाल देंगे। तो रिफाइन ऑयल की मात्रा जो है इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो आप बेझिझक डालें रिफाइन ऑयल, क्योंकि इसी से टेस्ट आता है, जो पुराने दिल्ली स्टाइल की बिरयानी का टेस्ट होता है। 100 ग्राम यहाँ पर डालेंगे दही, और फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स कर लेना है। ये जो भी हमने असेंबल किया है लो फ्लेम पे ही करें, जिससे कि चिकन जले ना। आप चाहे तो जिस बर्तन में आपको असेंबल करना है बिरयानी को, आप उसमें भी चिकन रेडी कर सकते हैं, या फिर अलग पैन में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग पैन लिया है, जिसमें चलाने में ईजली हो, इसलिए मैंने अलग पैन लिया है। अब बस इसे कवर करके पकाना है 8 से 10 मिनट तक। तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी पानी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है, और बस इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा चिकन पक रहा है, यहाँ पे बिरयानी मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची लिया है, लौंग। और इन सभी चीज़ों को ड्राई कर लेना है हल्का सा, और रोस्ट करके फिर इन्हें इस तरह से पीस लेना है। दरदरा सा ही पीसना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनानी है। तो ये पहले से मैंने पीस के रख लिया था। अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में दही लिया है। दही यहाँ पे मैंने 50 ग्राम लिया हुआ है, 1 छोटी चम्मच, जिसमें फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर, और चुटकी भर चीनी डाल देंगे। तो चीनी इसलिए डालना है क्योंकि फूड कलर का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है थोड़ा सा, तो इसलिए चीनी ज़रूर ऐड करें, जिससे कि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लें। अगर दही थोड़ी गाढ़ी है तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल लिक्विड नहीं बनाना है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करके रख लेंगे साइड में। तो इसे साइड में रखते हैं, और अब चेक कर लेते हैं चावल। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं चावल को बनते हुए, और ये देखिए चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं, और चावल जो है वो परफेक्टली कुक हो चुके हैं। यहाँ पे 99% जो चावल है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसको हम छान लेंगे, किसी बर्तन में छान लें इसे। और यहाँ पे हम चिकन भी चेक कर लेते हैं। तो चिकन जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, अब इसको भी छान लेंगे। इसका जो स्टॉक है, इसका जो पानी है, उसको अलग कर देना है, और चिकन को अलग करना है। तो
ये देखिए मैंने दूसरे बर्तन में चिकन को निकाल के डाल दिया है जिसमें हम असेंबल करने वाले हैं बिरयानी को। और जो इसका पानी जो हमने निकाल के रखा हुआ था, जो स्टॉक निकाल के रखा था, उसको थोड़ा सा डाल देंगे बीच में जिससे कि चिकन जो है जले नहीं। तो इसके बीचों बीच हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पे ही हम सभी प्रिपरेशन करेंगे। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और ये देखिए मैं हाथों की मदद से ही डाल रही हूँ, स्प्रिंकल करना है। तो ये जो भी आपको करना है ये हाथों से ही हो पाएगा, चम्मच से नहीं, तो इसे हाथों से ही करें। इसके ऊपर से डालेंगे बिरयानी मसाला जो हमने रेडी किया हुआ था, उसको डाल देंगे। इस तरह से हाथों से ही स्प्रिंकल कर ले, बीच में नहीं डालना है, चिकन के ऊपर ही डालना है। और ये जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन रखा है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करेंगे। और सभी बिरयानी मसाला को डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इसके ऊपर से। गरम मसाला मैंने आधी छोटी चम्मच डाला है। और थोड़ा सा और स्टॉक डाल देते हैं, पानी जो हमने रखा हुआ था, चिकन का पानी नहीं कह सकते हैं, वो जो भी है रिफाइन ही है, एक तरह से रिफाइन है और मसाला है। और मेन इसका इंग्रेडिएंट जो है अचार। तो पुरानी दिल्ली की बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट कह सकते हैं कि अचार ही होता है। तो मैं यहाँ पर मिक्स वेज का अचार डाल रही हूँ। इसमें अचार जो जाता है वो चिली का अचार जाता है, हरी मिर्च का अचार जाता है। तो मेरे पास नहीं था, मैंने इसलिए ये अचार डाल दिया है। आप कोशिश करें कि हरी मिर्च का ही अचार डालें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मार्केट में हर जगह आपको मिल जाएगी। और ये दही जो हमने रेडी करके रखा हुआ था इसको भी डालेंगे, और इसे भी हम चिकन के ऊपर ही डालेंगे, बिल्कुल बीच में नहीं डालना है। इस तरह से चिकन के ऊपर डाले, बीच में डालेंगे तो पूरे चावल में कलर आ जाएगा। तो हमें पूरा चावल को कलर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा चावल कलर करना है, तो इसलिए हम साइड साइड में ही डालेंगे चिकन के ऊपर। और यहाँ पे मैंने 8 से 10 हरी मिर्च लिया है, इसको डाल देंगे। और थोड़े से हरा धनिया डाल देंगे, हरा धनिया मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसे डाल देंगे। और एक टमाटर इस तरह से स्लाइसिस में मैंने काट लिए थे, इसे डाल देना है। ऑप्शनल है, अगर चाहे तो आप डाल सकते हैं टमाटर को, या इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है टमाटर, इसलिए मैंने डाला है। और एक नींबू, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। और अब जो चावल को हमने छान के रखा हुआ था उसे इस तरह से बीचों बीच डालते जाएंगे। पहले बीच में डालना है बिल्कुल सेंटर में, उसके बाद में पूरे पे फैला देना है, जितना भी आपका चावल है सब डाल दें। तो यहाँ पे मैंने सभी चावल को डाल दिया है, और जो बचा हुआ चिकन का पानी था, जो स्टॉक था, उस पूरा को हम इस पे डाल देंगे चावल के ऊपर। बिल्कुल भी नहीं बचाना है, सभी पानी को डाल दें, क्योंकि वो पानी नहीं रिफाइन है। थोड़ा सा बचा हुआ जो बिरयानी मसाला था वो स्प्रिंकल कर देंगे चावल के ऊपर से। देखिए इस तरह से हाथों से ही स्प्रिंकल करें। कुछ काम जो होता है ना कि हाथों से ही अच्छे से हो पाता है, आप चम्मच की हेल्प से नहीं कर सकते हो। तो हो सके तो आप कुकिंग करने के टाइम में हाथों का ही ज़्यादा यूज़ करें। अब इसे कवर करके मैंने 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही पका लिया था, हल्का सा खुला रखा है इस तरह से। और ये देखिए मैंने 4 से 5 मिनट इसे पका लिया है। अब इसके ऊपर से मैं 1-2 छोटी चम्मच घी डाल दूँगी, मेल्टेड घी है। और इसके ऊपर से हम घी डाल देंगे, और फिर इसे हम कवर कर देंगे अच्छे से, और दम पे रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसे अच्छे से कवर कर दें, और इसके ऊपर से कोई हैवी चीज़ डाल दें, हैवी बर्तन। यहाँ पे मेरे पास सील बट्टा है, इसको हम डाल देंगे, और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक और दम पे रखेंगे। तो जब तक बिरयानी दम पे है, इसका रायता बना लेते हैं। तो पुराने दिल्ली
स्टाइल ही हम रायता बनाएंगे जो होटलों में मिलती है। यहाँ पे मैंने दही लिया है, दही में एक चुटकी नमक डाल देंगे और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तो उसे ज़रूर डालें, उससे अच्छा कलर आता है। आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी डाल दें और बस मिला लें। और ये हमारा जो होटल स्टाइल रायता होता है जो बिरयानी के साथ देते हैं होटल वाले पुरानी दिल्ली, अगर आप पुरानी दिल्ली से हो या दिल्ली से हो तो आपको तो पता चल जाएगा, अगर दिल्ली से बाहर हो तो बिल्कुल इसी तरह से बनाई जाती है जो रायता होती है होटल की। इतना ही लिक्विड फॉर्म में होता है, आप चाहे तो इसको थोड़ा थिक भी बना सकते हैं। बस ये हमारा रायता रेडी है, अब बिरयानी भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज बिरयानी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, अब फ्लेम कर देंगे ऑफ और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्टली देख बिरयानी बनी है, चावल एकदम खिले खिले हैं, अलग अलग देख सकते हैं आप खुद। और ये देखिए बिल्कुल दिल्ली स्टाइल, पुराने दिल्ली स्टाइल जो अचारी बिरयानी होती है ना, चिकन देख बिरयानी, सेम वैसी बनी है। आप इसे घर पे बना सकते हो इजीली और आप इसे बनाओ और घर वालों को खिलाओ, सबको खुश करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो हसीना लाइफस्टाइल, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही लजीज बिरयानी बनी थी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे भी शामिल कीजिए। बाय।